हाय गाइज, मैं हूँ शोएब आलम। तो आज मैं जा रहा हूँ कुल्लू मनाली, जो नॉर्थ इंडिया के हिमाचल प्रदेश राज्य में बसा है। आप देख सकते हैं यह एक टनल है और इसको और टनल कहते हैं। ये कुल्लू चंडीगढ़ हाईवे के कोटला एक जगह है, वहाँ पर बना हुआ है ये टनल। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। यह केवल दोनों साइड से आने और जाने के लिए एकमात्र रोड है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ों से कुछ पानी निकल रहा है। इसको स्ट्रीम वाटर कहते हैं और इसे हम पी भी सकते हैं। ये एक प्योर वाटर होता है। मैंने ये पिया था, पानी बहुत ही टेस्टी था। हाय गाइस, तो मैं मनाली पहुंच चुका हूं और शाम के लगभग 7 बजे हैं। तो मैं मनाली काफ़ी होटल्स में रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने एक कॉटेज का अनुभव किया जो कि रिवर साइड है। और यहां की फूड क्वालिटी एंड इवनिंग लाइव म्यूज़िक एंटरटेनमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मनाली में कॉटेज आपको 1500 के समथिंग मिल जाते हैं। आप मनाली आना चाहते हैं और किसी रिवर साइड कॉटेज में स्टे करना चाहते हैं तो इस कॉटेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से भी चेक कर सकते हैं।
आज जा रहा हूँ माल रोड, जो कि लगभग ओल्ड मनाली से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस बीच हडिम्बा टेम्पल भी है, जो कि मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ, कोविड के चलते यह अभी बंद है। तो गाइज मैं इस समय पहुंच चुका हूँ माल रोड। तो यहाँ मैंने 5 रेस्टोरेंट्स थे जो विजिट किए और इनका फूड मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। तो ये हैं चॉपस्टिक रेस्टोरेंट, माउंट वी नूडल्स कैफे 1947, शेरे पंजाब, द जॉनसन कैफे एंड होटल्स। ये नेम्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप कभी मनाली आएँ तो इन रेस्टोरेंट्स के फूड ज़रूर चेक करें। समय हम जा रहे हैं सोलांग वैली, जो 17 किलोमीटर है मनाली से। मेरे साथ है मेरे पार्टनर रोहित, जो बेस्ट ड्राइवर है। तो आइए मिलते हैं सोलांग में, लेट्स मूव। तो जैसे ही आप मनाली से सोलांग के लिए निकलते हैं तो आपको रोडों पर और पहाड़ों पर स्नो दिखाई देने लगती है, जो कि एक अमेजिंग व्यू होता है। मैं रोहतांग नहीं गया क्योंकि रोहतांग का जो खुलने का समय है, मई से नवंबर तक रोहतांग ओपन रहता है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ कुल्लू, जो कि अराउंड 35 किलोमीटर है मनाली से। कुल्लू में काफ़ी चीज़ें हैं विजिट करने के लिए, जैसे रिवर राफ्टिंग है, शॉल फैक्ट्री, पैराग्लाइडिंग और बहुत कुछ। तो यहाँ मैंने हाई फ्लाई पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस लिया, जिसकी हाइट 8000 फीट है। इसके लिए मैंने पे किया 1200 रुपीज़ और यहाँ आपसे 3000 से
500 के समथिंग अमाउंट मांगा जाता है, बट आपको बार्गिन करना आना चाहिए। जैसे आप मनाली से निकलते हैं तो आपको मनाली से कुल्लू के बीच में रोड साइड ही काउंटर मिलेंगे, जहाँ पर आप अपनी पैराग्लाइडिंग की बुकिंग करा सकते हैं। तो बुकिंग अमाउंट में ही आपका पिकअप एंड ड्रॉप का अमाउंट इंक्लूड रहता है। वीडियो के लिए आपको 500 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डेस्टिनेशन पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी डेस्टिनेशन पे बनाता हूं और आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। तब के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।